दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय शिक्षा संस्थानों की बात करें तो बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय, नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दूर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो ये भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। कहा जाता है कि बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देश के साथ छात्र पढ़ने आते थे। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की जैसे छात्र इस विद्यालय में आते थे पढ़ने और ज्ञान का भंडार ले जाते थे। आज वह विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे विद्यालय के बड़े विद्यालय की बात करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी की। कहा जाता था एक समय में यहाँ पर एक ऐसी चमत्कारी पढ़ाई होती थी जिसे बड़े से बड़े आज के डॉक्टर भी उस तरह की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, उस नालंदा विश्वविद्यालय की बात करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार कोई नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, लगातार ऐसी फैक्ट और अमेजिंग वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है पूरी इसकी कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से लेकर 470 में की थी। कहा जाता है 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी जितने आप गिन पाना आपके लिए आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। कहा जाता है प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशालकाय पुस्तकालय था, जिसे आज हम इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसमें 3,00,000 से भी अधिक किताबें थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। कहा जाता है जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार भी था जो आज एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। ऐसा भी माना जाता है सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और इनके गौरवशाली इतिहास सभी को जानना चाहिए, तभी तो आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक इसकी जांच पड़ताल आज भी करते रहते हैं। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। इस शिक्षा के केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्म के साथ अनेक देशों के छात्र यहाँ पढ़ते थे। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि भी की शिक्षा दी जाती थी। आज के समय पर बिहार का राजकम प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना था, लेकिन आज ये पूरी तरह से एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इस प्राचीन विश्वविद्यालय के इतिहास की चर्चा हो रही है। ये दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास, इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। न आलम, न शब्द, न शब्दों से मिलकर नालंदा बना है, जिसका मतलब होता है उपहार, ऐसी कोई सीमा नहीं है। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था और इसका इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दिखाता है। विद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अनमोल धरोहर माना जाता है। प्राचीन इतिहास का भारत का नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख है और ऐतिहासिक शिक्षण का केंद्र है। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहा करते थे। गुप्त सम्राट गुप्त ने इसकी संरचना की, या यूँ कहें इसका निर्माण करवाया 450 AD में। और बात करते हैं यहाँ पर हर्षवर्धन और पाल शासकों ने के बाद भी इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसमें 300 कमरे और 7 बड़े कक्ष और 9 मंजिला एक पुस्तकालय थी और इसमें 90,00,000 से ज़्यादा किताबें रखी हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह रही इसकी कुछ विख्यात और कुछ रहस्यमय बातें जो आप बहुत कम लोगों को पता होगा। इस वजह से उम्मीद किए हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी फैक्टफुल और नॉलेजफुल लगी होगी। दोस्तों, ऐसे वीडियो आगे बनती रहेगी। अगर चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और चैनल को जरूर शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे लगातार वीडियो आगे भी बनाते रहते हैं।